नमस्कार एंड हेलो। आज ये मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है फॉर फेशियल मास्क टूल किट, इसके यूजेस और ये कैसा है यूज़ करने में और इसकी क्वालिटी कैसी है, तो चलिए देखते हैं। ये किट मैंने लिया है जिसमें ये दो स्क्रबर है और एक स्पैटुला है। ये दो जो आप देख रहे हैं स्क्रबर, बस कलर डिफरेंट है इसका, पर पर्पस और क्वालिटी और एवरीथिंग इज सेम। आप एक स्क्रबर, आप कुछ भी आपने जो मास्क लगाया है उसको आप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 499 का मैंने मार्शल से लिया है और आप इंस्ट्रक्शन देखिए, बैक में भी लिखा हुआ है और सामने में भी। और ये स्पैटुला आपको अप्लाई करने के लिए है, कोई भी पैक या मास्क आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसे इस स्पैटुला की सहायता से आप लगा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पैक के ऊपर में लिखा हुआ है। ये अब हम निकाल के चेक करते हैं कैसा है। ये आसानी से निकल गया और ये है स्पैटुला। कलर तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, टच करने में भी फील बहुत अच्छा है। सिलिकन का है और सॉफ्ट है और इसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा सा कुछ ब्रश जैसा बना हुआ है, तो लगता है काम तो करना चाहिए। और ये स्पैटुला है टू अप्लाई। अभी तक मैं फिंगर यूज़ करती थी या ब्रश, आज ये मैं पहली बार ऐसा स्पैटुला कुछ यूज़ करूँगी, तो देखते हैं ये अप्लाई करने में कैसा है, हेल्पफुल है या नहीं, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। कलर बहुत ही अच्छा है और ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाता और आप किसी स्टोर पे भी ले सकते हैं, वॉलमार्ट, टारगेट, मार्शल, रॉस, कहीं भी मिल जाता है, ऑनलाइन आप कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने मार्शल से काफ़ी रीजनेबली इसका प्राइस था तो इसलिए मैंने उठाया। तो ये मैं स्पैटुला यूज़ कर रही हूँ टू अप्लाई होममेड फ्रूट मास्क पैक। तो आप ये देखिए, मैं ऐसे लगा रही हूँ और इसे मैंने और दो तीन बार भी यूज़ किया है। दिस इज़ नॉट कि मैं बस पहली बार यूज़ की हूँ और आपको मैंने रिव्यू दिया। ये मैंने सैम्पल के लिए वीडियो बनाया है पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस प्रोडक्ट से, बहुत कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे ये अप्लाई करने के लिए। आप अपने फिंगर या ब्रश की सहायता से आप आसानी से लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली नो फॉर दिस प्रोडक्ट। और ये स्क्रबर, ये जब सूख गया तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इससे ये रब करके मैं हटा रही हूँ मसाज करते हुए। ईजली ये देखिए निकल गया सारा जो भी फ्रूट पैक है इसके इसमें आ गया और काफ़ी अच्छा है। डीप क्लीनिंग तो नहीं करेगा बट लाइट टू मीडियम क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और अगर आप फेस वॉश भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा, ये पूरा फोम होके काफ़ी अच्छा से ये आपका फेस वॉश जब करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फील देता है, आपको लगता है आपका फेस साफ हुआ है। स्क्रबर के लिए डेफिनेटली मैं हाँ बोलूँगी, पर अगर आपको ये अगर सिंगल मिलता है तो आप ज़रूर लें, या किसी और अगर सेट, अगर आपको और कोई ऑप्शन मिलता है किसी और कॉम्बिनेशन में तो आप ज़रूर खरीदें। तो अगर आपको आज की ये रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।